नाज़रीन, हमारे हमसाये ने इंडिया ने 1950 से अपनी आईटी रेवोल्यूशन शुरू की, तब आईआईटीज बनाए और आज दुनिया को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर भारत सरे फहरिस्त मुमालिक जो हैं चंद उनके अंदर से एक है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट मैच तो खेलेंगे, बट एट द मोमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, कि इंटरनेट बड़ा स्लो मिल रहा है, घर में जो लोग हैं फैमिली है उनसे बात नहीं हो पा रही। कल बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने भी शिकवा किया है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुस्त रवि है उसकी वजह से उन्हें अपने मुल्क में अपनी फैमिली मेंबर से रابطہ करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो ये एक इंटरनेशनल इशू भी बन गया है। मजीद एम्बेसिंग इसलिए कि वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं जिनके अपने मुल्क में इस पर क्या हो रहा था लेकिन उनका इंटरनेट जो था वो चल रहा था। सल्ट हो रही है आपकी हर जगह के ऊपर यार, मजाक बन रहा है आपका हर जगह के ऊपर और आप उसी चीजों में पड़े हुए हो। और मेरी तो इसमें जो है ना एक ही रिक्वेस्ट है और वो ये है कि जल्दी से ये मसला हल कर लें, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंटरनेट ना चल रहा हुआ तो फिर आपको पता है कि अब बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है कि इंडिया भी आए। ये टोटल नुकसान जो है ये हम कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है ना वो तो ये है कि जी फ्रीलांसर्स का नुकसान हुआ है, अपवर्क के प्लेटफॉर्म में शायद कोई इश्यूज आ रहे हैं, फाइवर में उन्होंने प्रोफाइल्स अनअवेलेबल कर दी, बिकॉज उसकी वजह ये है कि अब उनके बारे में नेगेटिव रेटिंग्स आ गई हैं, वो कौन लेगा सारा जॉब्स, वो इंडिया में चले जाएंगे, नेपाल में चले जाएंगे, बांग्लादेश में चले जाएंगे, हो सकता है अफगानिस्तान में भी चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस समय इंटरनेट को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया चीखे चिल्लाई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट काफ़ी स्लो हो चुकी है, पाकिस्तानी जनता खासतौर से जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए मुसीबत हो गई है। और पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फायरवॉल लगाया है और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इंटरनेट की स्पीड भी स्लो कर दी है, जो कि हो भी सकती है क्योंकि इसमें जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकली गिरफ्तारियां चल रही है और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको देखते हुए, लेकिन इसी के साथ साथ इंटरनेट का यह मुद्दा पाकिस्तान के अंदर और जोर से नेशनल मुद्दा बन गया, तब जबकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान पहुँची है उन्होंने भी बाकायदा शिकायत की है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ इंटरनेट काफ़ी स्लो है और इतना स्लो है कि वो अपने परिवार वालों घर वालों से भी बात नहीं कर सकते, जिससे पाकिस्तानी मीडिया शर्मसार है। लेकिन इसी के साथ हम देख सकते हैं कि कई पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया वाले इंटरनेट पे वीडियो डाल भी रहे हैं तो उसकी बजाय वो VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लेकिन इसमें रिस्क होता है कि आपका जो डेटा है वो सुरक्षित नहीं रहता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। नाज़रीन, हमारे हमसाये ने इंडिया ने 1950 से अपनी आईटी रेवोल्यूशन शुरू की, तब आईआईटीज बनाए और आज दुनिया को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर भारत सरे फहरिस्त मुमालिक जो हैं चंद उनके अंदर से एक है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो आईटी वाला सेक्टर है इसको टैप किया जाए और उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसके अंदर घर में बैठे हुए अफराद अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं इंटरनेट के जरिए। ये बात याद रहे कि इस हवाले से इसी हुकूमत ने यह तहैया भी किया था और वो लोग जो कमा रहे थे ऑलरेडी उनको अप्रिशिएट भी किया था जो आईटी के जरिए जर्रे मुबादला पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर पहले ही जर्रे मुबादला के हवाले से बड़ी तंगी है, वहां आईटी के जरिए जर्रे मुबादला अगर आता है तो किसी को बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। लेकिन अभी सूरत हाल ये हो रही है कि कुछ अरसे से जहां प्रोपेगेंडा या झूठ फैलाने वाली मुहिम को रोकना चाहिए, कर्ब करना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वो काम किस तरह से करना है वो शायद उसका तरीकाकार जरा अलग है। शज़ा फातिमा साहिबा से पूछा गया कि फायरवॉल लगी है नहीं लगी, सवाल पूछा गया तो उन्होंने ना तो उसका लफ्ज इस्तेमाल किया, ना उसके इर्द गिर्द को बात की, ना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी, बल्कि जो सवाल किए गए थे उनको इग्नोर करके दूसरे सवालों की तरफ बढ़ दी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर 5 लाख के करीब फ्रीलांसर्स हैं जो बाहर से जर मुबादला लेकर आते हैं। जो सालाना रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 18 करोड़, तकरीबन 19 करोड़ के करीब इंटरनेट मोबाइल सार्फीन हैं। 23 और 24 के मुताबिक जो जून में खत्म होने वाला माली साल है उसके दौरान आईटी बरामदात का हजम $3.2 अरब रहा। अब एक जगह हम IMF से एक एक दो दो तीन तीन अरब के लिए भीख मांग रहे हैं, दूसरी जगह हमें यह पता नहीं चल रहा कि फायरवॉल लगी है नहीं लगी, और अगर नहीं लगी तो फिर यह हो क्या रहा है और वाकई में VPN से ऐसा मामला हो सकता है या नहीं हो सकता, जरा क्लैरिटी लेते हैं। अली एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है। देखिए जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है VPN के हवाले से डेफिनेशन दी है वो एक हद तक तो चले सही है, हाँ 10-15% आपकी स्पीड में फर्क आ सकता है अगर आपकी मुल्क की 30% आबादी VPN इस्तेमाल कर रही हो। अब क्या मुल्क की 30% आबादी VPN इस्तेमाल कर रही है,
मुझे सुन के हैरानगी होगी अगर ये डेटा एंड में से ही निकला। इस वक्त आईटी इंडस्ट्री की काफी हमारे लॉसेस भी हो रहे हैं, मुल्क की मईशत भी इफेक्ट हो रही है, और जो एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं उससे हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। मगर इस वक्त तो माना ही नहीं जा रहा कि मसला भी है। मगर आप जब भी किसी सोल्यूशन की तरफ आते हैं और आपको नजर आता है कि उसकी वजह से मुल्क की मईशत इफेक्ट हो रही है, तो इस तरह के मसलों का हल कहां से निकलेगा और जो मईशत को नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये टोटल नुकसान जो है ये हम कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है ना वो तो ये है कि जी फ्रीलांसर्स का नुकसान हुआ है, अपवर्क के प्लेटफॉर्म में शायद कोई इश्यूज आ रहे हैं, फाइवर में उन्होंने प्रोफाइल अनअवेलेबल कर दी, इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो की जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी इंटरनेट जो जॉब्स हैं वो खो रहे हैं। एक कहा जाता है एक फीवर के नाम से एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। मजे की बात यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा कि फीवर जो है इज़ एन इजरायली प्लेटफॉर्म। फीवर जो प्लेटफॉर्म है ये कनेक्ट करता है बेसिकली दुनिया के लोगों को, कारोबारी लोगों को। और मैं आपको इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसमें यह है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपनी ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन जॉब उनको मिलती है। अब वो जैसे वो कहते हैं ना, उसने बहुत सारे जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं उनको अनअवेलेबल कर दिया बिकॉज वो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से काम नहीं कर पा रहे, जो वहाँ पे अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे या वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो जो फीवर है उसने उनके अकाउंट्स ही जो है वो डिसमेंटल कर दिए, अनअवेलेबल कर दिए हैं। बिकॉज उसकी वजह ये है कि अब उनके बारे में नेगेटिव रेटिंग्स आ गई हैं। वो कौन लेगा सारे जॉब्स? वो इंडिया में चले जाएंगे, नेपाल में चले जाएंगे, बांग्लादेश में चले जाएंगे, हो सकता है अफगानिस्तान में भी चले जाएंगे। सो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेट फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल की जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हुकूमत डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रही है, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रही है। सर वो हमारी यहाँ सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान की, टेस्ट मैचेस हैं कुछ, तो वो आ गए हैं हमारे जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं। सो उन्होंने भी एक ना गिला की है कि जिस होटल में हम हैं वहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, और वो कहते हैं हमने अपने अहले खाना वगैरह से बाकी सब से जब बात करनी होती है, जाहिर है वीडियो कॉल करते होंगे अपने वहाँ पे बांग्लादेश में, उनसे हो नहीं पा रहा और वो तपी जा रहे हैं सर। और उन्होंने कंप्लेन कर दी है कि यार ये कि आपको बात है कि मैं एक हुकूमत को प्लीज़ वन थिंग मैं कहना चाहूँगा, उन प्लेयर्स की गलती नहीं है, उनको आपने इंटरनेट जो है ना वो बाकायदा फराम करना है, जहाँ ठीक आ रहा है ना वो मोडम उतार के आप उस होटल में लगा दें, क्योंकि वो प्लेयर्स जो है हमने उनको खुश रखना है। सर मेरी तो इसमें जो है ना एक ही रिक्वेस्ट है और वो ये है कि जल्दी से ये मसला हल कर लें, क्योंकि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इंटरनेट ना चल रहा हुआ तो फिर आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है कि इंडिया भी आए,